ये तस्वीर देखिएगा। दो नेता एक कोने में क्या जुड़े और वहाँ खबरें नपने लगी कि मध्य प्रदेश की सत्ता में होगा बड़ा फेरबदल। और फिर साहब गिनते जाइए कुर्सी के दावेदारों के नाम, ऐसे नाम भी शामिल जो सियासत के हाशिए पर पड़े पुरानी चांदनी को लेकर आज भी मुगालता पाले बैठे हैं। अरे भैया, मुलाकात के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पूछने मिले हो कि कोरोना वैक्सीन लगवाई कि नहीं। न सुर न ताल, बस वहां खबर ठुमकने लगी। गुरु, काहे भूल जाते हो कि सत्ता की कुंजी शिव के हाथ है? वही शिव बाबू जो पांव पांव चलकर हौले से सत्ता की सीढ़ी चढ़े, और ऐसे चढ़े कि आम जनता के बीच लोकप्रियता का डंका बजाते हुए सारे समीकरणों को हवा कर दिया। ना आगे और ना कोई पीछे, घम ठोके खड़े दिखे तो सिर्फ शिव बाबू। आम जनता, संगठन या फिर भले ही विपक्ष हो, शिव बाबू बेहतर तरीके से तालमेल वाला गणित बैठा ही लेते हैं। समय के साथ शिवराज की लोकप्रियता का दायरा मध्य प्रदेश की सीमाओं को पार करते हुए देश के अन्य भागों तक जा ठसा है, लेकिन शिव है कि मध्य प्रदेश की धरती पर ही मस्त हैं। खैर, सियासत में अफवाहें फैलना या फिर जानकर फैलाना आम है, लेकिन साहब ये 100% सच है कि भाजपा के पाले में शिव बाबू एक बड़ा तीर है। जाहिर है कि सत्ता के रण में पार्टी इस ब्रह्मास्त्र को यूं ही तो जाया नहीं करेगी। और रही बात दिलजलों की, तो सियासत में जलने और जलाने का अपना ही एक मजा है।